खबर अहम खबर रांची से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास एक गांव के ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं। बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन लोगों से बातचीत की जा रही है सरकार की योजनाओं के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में। कुछ शिकायतें पहले जनसंवाद में की थी जिसका निष्पादन हुआ है, कुछ शिकायतें इनकी सीधे तौर पर है अभी जो सर आपसे पूछना चाहते हैं, और उन शिकायतों में पहला है धर्मा पहाड़िया है क्या वहाँ ये लोग है, ये सर गोड्डा का है धर्मा पहाड़िया वहाँ पे उपस्थित है घर ढह जाने से, और उस समय धर्मा पहाड़िया यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, गोड्डा में ये बाहर कमाने गए थे, और जैसे कि अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है और आपदा विभाग जिला के आपदा विभाग को प्रतिवेदित किया है, उसमें वो पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये नेचुरल डिजास्टर से ये मृत्यु हुई है, लेकिन इस कारण इनको 4 लाख का जो मुआवजा है उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है देने के लिए। लेकिन फिलहाल हमने इनकी जो वाइफ है इतवारी पहाड़ियन, चूंकि ये PVTG को बिलोंग करते हैं, इनको हमने उसके पेंशन से आच्छादित किया है, और इनका SECC डेटा में PMAY के लिस्ट में काफी पीछे नाम था, लेकिन इनको हमने DRDA में प्रायोरिटी बेसिस पे इनको सैंक्शन करा दिया है PMAY आवास। इनकी पत्नी है वहाँ पे धर्मा पहाड़िया की? अच्छा, उधर जो लोग उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं उनको दीजिए माइक। वहाँ उपस्थित जो लोग हैं उनसे पूछे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो सवाल करना चाहते हैं पूछें। क्या हुआ? इतना आवाज जा रही है? आवाज नहीं जा रही है। कौन? आवाज आ रही है हमारी? सिस्टम टिक करो भैया। क्या हुआ? हाँ, आवाज तो आ नहीं रही उधर से। हाँ, इधर से आवाज जा रही है उनको। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? उधर से वीडियो तो आ रहा है। हाँ बताइए, उधर से जो सवाल पूछना चाहते हैं उनको माइक दीजिए और बात कराइए। आवाज जा रही है आपको? सर विकलांगता पेंशन के लाभुक जियोन आर्थिक आए हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं। नेटवर्क इशू के कारण में हम लोग काफी लैग हो रहा है, जैसे कि मुझे तो बात बोलना है। सबसे पहले तो मैं CM साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
कि उन्होंने मेरी शिकायत को सुना और मेरे समाधान को, मेरे मुश्किल को सुधारा। क्या समस्या थी आपके? और मैं जनता भर से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो 181 पर 181 नंबर डायल करके अपने परेशानियों को सीएम के सामने रखें और अपने परेशानी को सुधारने का मौका दें। शुक्रिया। हाँ, दूसरे को दीजिए माइक। सर, बेंजामिन पहाड़िया, इनका अग्नि के कारण इनका घर जल गया था, ये कुछ कहना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री जन संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जन संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम बेंजामिन पहाड़िया ग्राम कुसुमा है, पोस्ट डबरहा प्रखंड सिंधु पहाड़ी है, जिला गोड्डा है। तो मैंने 2016-23 मार्च को मेरा घर अचानक से जल गया था, जल के पूरा राख हो गया था। तो उसके बाद मैं अंचल में एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया। उसके बाद उससे बहुत लेट होने के कारण मैं गोड्डा में उपायुक्त को मैं आवेदन किया, फिर भी उसमें बहुत लेट हो गया। और उसमें हमको लगा कि विश्वास नहीं था कि मतलब मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग गरीब पहाड़िया ही है, तो बहुत दिक्कत तो कठिनाई हो रहा था। उसके बाद मैं कोई विश्वास नहीं था, तो मैं देखते कि समाचार में दिया था और पेपर में दिया था, 181 में जन मुख्य जन संबंध में कॉल करने के लिए मतलब पेपर में पढ़े थे। 181 में कॉल किया था, कॉल करने के बाद उधर से कैसे नंबर जन संबंध का शिकायत नंबर हमको मिला था। मिलने के बाद फिर रांची से फिर फोन आया, फोन किए थे कि ठीक है पर उधर से फिर फोन कीजिएगा। तो फोन करने के बाद फिर हमको अभी 7000 मुआवजा मिला है, इसलिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डाकिया सुनो, रुको। डाकिया योजना के तहत 35 किलो अनाज आपके घर में पहुंच रहा, पहाड़िया समाज के हर घर पे। इसमें भी पहले नहीं पहुंच रहा था, तो फिर इसके लिए भी बहुत हम लोग शिकायत किए थे, लट्टी पड़ा भी शिकायत किए थे। उसके बाद अभी तो इसमें ना तो नहीं पहुंचा था, लेकिन इसमें ना जो हम लोग रसायन जो डमरू से हम लेके आए थे, और अगला माह तो पहुंचा करके दिया था घर में। इस बार नहीं दिया घर पे पहुंचा के? पहुंचाते हैं, तो इसलिए उसको भी मैं बहुत आपसे कहना चाहूंगा कि जो हम लोग को पड़ा है, जो मिल रहा है राशन 35 किलो पैकेट वाला, तो हर द्वार में पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए पैसा जो ले रहे हैं कहीं कहीं तो आपको सुनने को मिलता है, तो उसको भी आप लोग मतलब उधर से आप थोड़ा हम लोग को घर में पहुंचने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ। अब कौशल जी देखिए, डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त करो भैया। शिकायत है कि जो हम लोग डाकिया योजना के तहत जो पहुँचाना घर पर नहीं पहुँचा रहा, सिस्टम सुधारिए भैया। अगर नहीं होता तो पंचायत सचिवालय के जुमा आप लगा दो, मैं पहले से इसका पक्षधर था। ये आपका मार्केटिंग अफसर नहीं कर पाएगा इस काम को। और एक आम नागरिक से बात कराइए, ये जो वहां पे उपस्थित हैं चंदना गांव के, उनसे बात कराइए। निवासी हूँ, बताइए। चंदना पंचायत का है जी सर, यहाँ पर
आपके गांव में कोई समस्या? 15 मई तो पिछले बार यहां पर मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम में पहली बार हम लोग को टोल फ्री नंबर 181 के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और कई सारे सरकारी चुनिंदा योजनाओं के बारे में भी पता चला। और पहले काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था सभी को, लेकिन सबको जानकारी प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम में। और अपना शिकायत डायरेक्ट लोग 181 पर कॉल करके अपना शिकायत को निपटारा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? राज। क्या नाम है? आदित्य राज जी वहाँ आपके गांव में? आदित्य राज जी आपके गांव में बिजली पहुंच गई है हर घर? जी सर, पहुंच गई सब घर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन खबरें लगातार जी बिहार झारखंड पर जारी है। नमस्कार।